सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने 140 लिया और एक लिया 336, इसके अभाज्य गुणनखंड अगर आपको करने का बोला जाए तो किस ढंग से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले जैसे 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना है ऐसा। अब आपको देखना है कि सबसे पहले दो का भाग इसमें जाता है या नहीं। अगर दो का भाग नहीं जाएगा तो हम तीन का देंगे। तो अपने आप जैसे आप भाग देते जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड है वो बनते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दो एक ऐसी संख्या जिसमें दो का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। इसी प्रकार तीन, तीन में तीन का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। फिर देखिए चार आता है इसके बाद, परंतु चार में चार का भाग जाता है और दो का भी जाता है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट पाँच, पाँच में पाँच का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। इसी प्रकार छः नहीं होगा, उसके बाद आएगा सात, सात में सात का ही जाता है। आठ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, दस नहीं होगा, ग्यारह होगा, बारह नहीं होगा, तेरह हो जाएगा। इस ढंग से आगे आगे आप चलते रहे और अभाज्य संख्या है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, यानी खुद का भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाएगा, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका मतलब सबसे पहले तो दो का भाग देना है, इसमें अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो तीन का देंगे, अगर तीन का भी नहीं जाएगा तो पाँच का जाएगा। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं 140 के अंदर दो का भाग इजीली जा रहा है इसलिए दूंगा, तो ये दो का भाग चला गया। कितनी बार जाएगा? 70 बार। दो का भाग देने का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का आधा करना, यानी 140 का आधा हो गया 70। फिर 70 के अंदर दो का भाग वापस जाएगा, ये सीधा दो का भाग गया। अब 70 के अंदर कितनी बार जाएगा? 35 बार। 35 के अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का, क्योंकि देखिए दो का भाग जाता नहीं है और तीन का भी नहीं जाता, इसका मतलब पाँच का ट्राई करेंगे और पाँच का भाग इजीली 35 के अंदर जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बनजे 35, 7 बार जाता है। फिर 7 में 7 का ही भाग जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये 7 का भाग दे देंगे। कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गया? 2, 2, 5 और 7। तो इसको अगर व्यक्त करना है तो किस ढंग से व्यक्त करेंगे? देखिए 140 लिखेंगे, फिर बराबर यहाँ लिखूंगा मैं 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7। अब देखिए वापस आप गुणा करेंगे, देखिए 2 × 2 कितने हो गए? 4। 4 × 5 कितने हो गए? 20। और 20 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। यानी कि ये आ गया हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये तरीका है किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड आखिर कैसे करते हैं। 336 है, इसके अंदर देखिए वापस हम भाग देंगे तो दो का भाग इजीली जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखिए दो का भाग जा रहा है, तो दो का भाग 336 के अंदर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 168। इसी प्रकार सीधा दो का भाग वापस चला जाएगा तो 168 के अंदर दो का भाग दिया, कितना आ गया हमारा? 84। फिर 84 के अंदर दो का भाग वापस जा रहा है, कितनी बार चला जाएगा? देखिए आधा का आधा करते चलो। फिर दो का भाग जाएगा, चला गया ये 2 और 21। अब देखिए 21 के अंदर दो का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब किसका देना पड़ेगा? तीन का। हाँ, तीन का भाग 21 के अंदर चला जा रहा है, कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का ही भाग जाएगा? 1 बार। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके अभाज्य गुणनखंड आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ 440। अब 440 के अभाज्य गुणनखंड बना के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं सबसे पहले कमेंट से वो कौन करता है।